वेलकम टू प्लांट एनवायरनमेंट। आप सबका स्वागत है हमारे आपके सबके चैनल पे, प्लांट एनवायरनमेंट चैनल पे। आज हम चांदनी की रिपोर्टिंग करेंगे। इसको हमारे चांदनी के प्लांट को बड़े कंटेनर में शिफ्ट करेंगे, बड़े पॉट में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि इसको ज़्यादा कैपेसिटी चाहिए, क्योंकि ये पूरा एक पेड़ बन जाता है। 5 से 6 इंच का ये गमला है, ये देखिए मैं आपको दिखाऊं। इसको फ्लावर भी लग रहे हैं लेकिन वो खिल नहीं रहा है। ये कलियां हैं, लगती हैं, मुरझा जाती हैं और गिर जाती हैं, क्योंकि इसको ज़्यादा मिट्टी चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गई है। तो चलिए इसको शिफ्ट करते हैं। हम इसे इसमें शिफ्ट करेंगे, जैसे कि आप देख ही सकते हैं, ये छोटे से बच्चे से एक बहुत बड़े कंटेनर में जाएगा, जो इसके लिए एक परफेक्ट है। सोयल हम नॉर्मल गार्डन सोयल इस्तेमाल करेंगे, उसके अंदर राख मिली हुई है जो फंगस इन्फेक्शन वगैरह से हमारे पौधे को बचाएगी, और उसके अंदर हमने एप्सम सॉल्ट भी मिला रखा है पहले से ही, जो प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और फंगस से भी बचाता है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इसको निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका है, इसकी स्टेम के बीच में अपनी उंगलियां डालिए और ऐसा हाथ फैला लीजिए और इसे उल्टा करके किसी हार्ड चीज़ पे, दीवार के कोने पे, इसको इधर की साइड से मारिए। इसका सारा वजन नीचे की तरफ आएगा और ये हमारे हाथ में आ जाएगा। इससे हमारा गमला टूटेगा भी नहीं, सेफ रहेगा, और उसमें हम दूसरा प्लांट भी लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने इसे निकाल लिया है। इसकी रूट्स देखिए कितनी बाउंड हो रही थी, बिल्कुल नीचे बाउंड हो रही थी, और ये गलत है बाउंड होना। तो चलिए अब हम अपने कंटेनर में सोइल भर लेते हैं, सोइल भर लेते हैं। चलिए ठीक है, हमने इसमें एक होल कर रखा है, ड्रेनेज होल, वाटर ड्रेनेज होल। इसके अंदर हम ये पत्ते लगाएंगे, फिलहाल तो ये बड़ा है, इसको तोड़ लेते हैं। चलिए अब इसमें सोइल ऐड कर देते हैं। इससे वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, थोड़ा सा स्किप करके फ्रेंड आपको दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड, हमने से अभी इतना भर लिया है, अब इसमें हम अपना, चलिए फ्रेंड अब इसमें से शिफ्ट करते हैं। बिल्कुल परफेक्ट बैठा है, इस साइडों में से मिट्टी भर देते हैं। देखिए फ्रेंड, हमने से शिफ्ट कर दिया। ये बारिश की वजह से हमारी सोइल बहुत ज़्यादा गीली हो गई थी, इसलिए चिकनी मिट्टी, इसमें हम पानी नहीं डालेंगे। बिना पानी के ही ये 5-6 दिन बाद इसमें पानी डालेंगे, सर्दियों का टाइम है, मेरे ख्याल से 1-2 हफ्ते ज़रूरत ना पड़े। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और कुछ सवाल चांदनी प्लांट से के मुताबिक तो ज़रूर करें। ये देखिए अब इंशाल्लाह इसमें अच्छे अच्छे फ्लावर, वाइट कलर के फ्लावर होते हैं इसमें, अब फ्लावर खिलेंगे, गर्मियों में इसकी ग्रोथ डबल हो जाएगी। इसकी अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टेडियम करें, लाइक करना मत भूलें।
ठीक है फ्रेंड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।